हेलो बच्चों, तो आज हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। परिभाषा सबसे पहले हम इसके देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे संध्या नाच रही है, तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? नाच। एक्शन हो रहा है, नाच रही है, तो इसमें क्रिया शब्द नाच आएगा। रोहित दूध पी रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? पीना। दूध पी रहा है, तो ये क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। वह कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, जिनको हम इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, एंड सकर्मक क्रिया, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। एक होती है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक अपने आप होने वाली क्रिया होती है और दूसरी की जाने वाली क्रिया होती है। अपने आप होने वाली क्रिया कौन सी आ गई? जैसे नदी बह रही है, तो ये अपने आप हो रही है, कोई मत कर रहा है इसको, इसलिए ये अपने आप हो रही है। और सूर्य उदय होता है, ये भी एक अपने आप क्रिया हो रही है। फिर है खुद की जाने वाली क्रिया। की जाने वाली क्रिया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संध्या नाच रही है, तो ये खुद नाच रही है, तो इसमें क्रिया आएगा नाच रही है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो ये भी एक अपने एक की जाने वाली क्रिया है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ये भी क्या है? की जाने वाली क्रिया है, बोलना इसमें क्रिया है। तो ये था क्रिया। धन्यवाद।